प्लस वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो है और इसेंट्रिसिटी वन अपॉन रूट थ्री है। इक्वेशन ऑफ द एलिप्स निकालनी है। ये कंडीशंस गिवन है। इलिप्स की इक्वेशन कैसे निकालते हो? इलिप्स की या हाइपरबोला या पैराबोला सबका एक ही मेथड है, एस पी इज इक्वल टू ई पी एम। एस पी इज इक्वल टू ई पी एम। ये हाइपरबोला में भी है, पैराबोला में भी, इलिप्स में भी है। पैराबोला में ई की वैल्यू वन होती है इसलिए एस पी इज इक्वल टू पी एम लिख देते हैं। यहाँ पे e की वैल्यू वन अपॉन रूट थ्री, अगर ये हाइपर बोला जाए तो रूट थ्री हो जाएगी या एक से ज्यादा हो जाएगी। अब sp कितना हो जाएगा? x माइनस सिक्स का होल स्क्वायर प्लस y माइनस सेवन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू e वन अपॉन रूट थ्री। pm की वैल्यू कितनी होगी? पॉइंट से डिस्टेंस क्या होती है? लाइन की पॉइंट से डिस्टेंस। ये होती है डिस्टेंस। ये तुम लोगों को बताया था एच कॉमा के पॉइंट माना जाता है, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव करते हैं इवन सब्जेक्टिव में भी हम लोग करते हैं तो एक्स वाई पॉइंट ही लेके कर लिया करो। क्योंकि अगर तुम बुक्स भी देखोगे जितनी भी तुम्हारी इलेवन ट्वेल्थ की बुक्स हैं सब में एक्स वाई लेके किया, एच कॉमा के लेके नहीं किया है। रूल ये होता है हम एच कॉमा के लेके करें फिर लिखें हेंस लोकस और एच की जगह एक्स, के की जगह वाई, लेकिन प्रॉब्लम नहीं होती इसलिए लिख देते हैं इसको। तो एक्स कॉमा वाई से डिस्टेंस निकालने कितनी आ जाएगी? एक्स प्लस वाई पॉइंट एक्स कॉमा वाई है, एक्स कॉमा वाई पॉइंट को एक्स प्लस वाई प्लस टू इज इक्वल जीरो से डिस्टेंस निकालनी है। अभी बोलते हैं एच कॉमा के पॉइंट लिया जाता है, एच कॉमा के से एक्स प्लस वाई प्लस टू की डिस्टेंस निकालेंगे, वो एच प्लस के प्लस टू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगी, लेकिन एक्स कॉमा वाई लेने में कोई नुकसान नहीं होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर करो, आंसर निकालो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर करो, आंसर निकालो। ये क्वेश्चन भी बहुत लेटेस्ट तुम्हारे एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, 22 का है या 21 का है। केवल स्क्वायर का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर करना है। कॉन्स्टेंट देखो कितना आ रहा है, कहते हैं बाकी तुमने कैलकुलेट कर लिया। कितना हुआ? 85 इंटू 6 माइनस 4 करोगे। ये नहीं कल क्वेश्चन देख लेना, आंसर से हम देख लेते हैं आंसर क्या है इसका। 88 वाई लिखा हुआ है।
चौदह में 84, 84 और 8, 4, 88, 88। कॉन्स्टेंट जो आ रहा है इसमें 506 आ रहा है, चेक कर लेना, कहते हैं 506 आ रहा है जो करेक्ट ऑप्शन है उसमें 506 लिखा। सिंपल मल्टीप्लाई करना है, 3649 पर 85 हुआ, 85 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 4 माइनस कर देना, नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 ऑफ द एलिप्स 5x² प्लस 9y² इज इक्वल टू 45। 5x² प्लस 9y² इज इक्वल टू 45। लैटर सेक्टर निकालना, इसका ए स्क्वायर निकालो, बी स्क्वायर निकालो, लैटर सेक्टर 2b² अपॉन ए होता है। पहले 225 से डिवाइड कर दो इसको, 225 से डिवाइड करने के बाद ए स्क्वायर मिल जाएगा, बी स्क्वायर मिल जाएगा, 2b² अपॉन ए करना। आंसर जो है इसका हमारे पास लिखा है 10/3। x² / 9 प्लस y² / 5 इज इक्वल टू 2b² / a होता है, b² की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू 3 है, a² की वैल्यू 9 है, a की वैल्यू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फोकल डिस्टेंस ऑफ एंड ऑफ द माइनर एक्सिस, इफ फोकल डिस्टेंस ऑफ एंड ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स इज के and distance between the foci is 2h, find the equation of ellipse. The focal distance of an end of minor axis of the ellipse is k and the distance between the foci is 2h, find the equation of the ellipse. फोकल डिस्टेंस ए प्लस ई एक्स होती है, ए प्लस ई एक्स या ए माइनस ई एक्स। इस टाइप के क्वेश्चन हमने करवाया पहले भी, तुम लोग रिवाइज अगर करके आते हैं सब क्वेश्चन अपने आप होने लग जाती है। जीरो कॉमा बी होती है, अब इसमें कहा है कि एंड ऑफ द माइनर एक्सिस, चाहे वो जीरो कॉमा बी ले लो या जीरो कॉमा माइनस बी ले लो, कोई भी ले सकते हो। अब इसमें फोकल डिस्टेंस कितनी हुई, ए प्लस ई एक्स, ये दिया हुआ है,
फोकल डिस्टेंस दी गई है, ए प्लस ई एक्स ले लो या ए माइनस ई एक्स ले लो, इससे अंतर नहीं पड़ता है। एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, जीरो है एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू जीरो है तो कितना हुआ है, ए की वैल्यू के आ गई। अब इसमें कहा डिस्टेंस बिटवीन द फोकस, तो जो दो फोकस है उनके बीच की डिस्टेंस टू एच है, ए इज इक्वल टू ई एच, केवल बी निकालना है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू के, ए स्क्वायर ई स्क्वायर की वैल्यू एच स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ द लिस्ट क्या हो गई, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन होती है, ए बी की वैल्यू लगा दो यहां पर, एक्स स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, इसमें एक लाइन और लिखी होती है, हमने बोली नहीं है इसमें, उसमें लिखा होता है कि टेकिंग एक्सिस ऑफ द एलिप्स एज द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब वो लिखा होता लाइन, उसका कोई मतलब नहीं है, मतलब यही है कि हमको एलिप्स स्टैंडर्ड लेना, उससे कंफ्यूजन होता है, अगर मान लो एग्जामिनेशन में लाइन लिखी हो टेकिंग एक्सिस ऑफ द एलिप्स एज ए कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो उसका मतलब नहीं है, स्टैंडर्ड बनाना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये सब छोटे छोटे एग्जाम्पल्स तुम लोग एग्जामिनेशन बराबर पूछे गए, बस सिंपल सी चीजें मालूम होनी चाहिए, फोकल डिस्टेंस क्या होती है, फोकस क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द फोकस क्या होता है, ये सब मालूम होना चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम लोग जो डिफिकल्ट मान के चल रहे हो, कॉनिक सेक्शन है, स्ट्रेट लाइन या सर्किल, रीजन उसका ये पढ़ा ही नहीं तुम लोगों ने, पढ़ते तो कहते कठिन नहीं लगता, कहते इलेवेंथ की बुक कर लेते हैं, वैसे इलेवेंथ की बुक हमने प्रेफरेंस में नहीं रखी थी, क्योंकि इलेवेंथ की बुक में कॉनिक सेक्शन बहुत खराब दिया हुआ है, पैराबोला और स्ट्रेट लाइन अच्छा दिया हुआ है, सर्कल भी थोड़ा बहुत ठीक ही दिया हुआ है, कॉनिक नहीं है, लेकिन कम से कम इलेवेंथ की बुक कर लो, कहते कुछ नहीं है, तो इलेवेंथ की बुक कर लो, बेसिक चीज़ सीख जाओगे, उसमें बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन हैं कि अगर फोकस के बीच के डिस्टेंस टू थ्री के बराबर है, फोकल डिस्टेंस पाँच के बराबर, तो इक्वेशन ऑफ डेलिस बताओ या पैराबोला बताओ या हाइपरबोला बताओ, उसमें लाइन से क्वेश्चन लगे हुए, तो वही कम से कम कर दो, कहते बाद में डिफिकल्ट क्वेश्चन तो बाद में कर ही लेना, डिफिकल्ट तो हम डिफिकल्ट का मतलब जो स्टैंडर्ड सवाल है तुम यहाँ करवा ही रहे हैं, तुमने बिल्कुल नहीं पढ़ा, कहते प्रॉब्लम यह है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, अभी भी पढ़ना चालू करो, हम नेक्स्ट क्लास से वैक्टर स्टार्ट करेंगे, वैक्टर में पहले दो क्लासेस में कुछ पढ़ना नहीं होता, हमको पढ़ाना होता तुम्हारे लिए कुछ नहीं, इस बीच अभी कल गैप हो जाएगा, दो दिन का उधर गैप हो जाएगा, तीन दिन में कुछ तो पढ़ो, कहते जाके नहीं समझ में हम दोबारा रिपीट कर देंगे, एक्स्ट्रा क्लासेस दे देंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्स्ट्रा क्लासेस देने में भी, लेकिन पढ़ो तो कहते, केवल ये सोचो हमें आ नहीं रहा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब हमने स्टार्ट किया था पहले दिन उसका वीडियो देखना, हमने कहा था अगर स्ट्रेट लाइन सर्किल छूटा तो फिर सब छोड़ना पड़ता है, फिर ये नौबत यही आती है कि छोड़ो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, छोड़ो अगला टॉपिक पकड़ेंगे, कहते और ये हमने स्टार्ट में कह दिया था, यानी कि हमने अब बता रहा हूँ, और ये हम पिछले 30 साल हमको पढ़ाते होगा, 29 सालों का तीसरा साल चल रहा है, हम बराबर देख रहे हैं, जो जिसने स्ट्रेट लाइन सर्किल पर ध्यान नहीं दिया उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छोड़ना ही पड़ता है, और कम से कम 15 से 20 सवाल आते हैं इसके, और हर चीज़ छोड़ के जाओ तो वहाँ सब आखिरी में, तो जब पेपर का कोऑर्डिनेट पढ़ के नहीं आए छोड़ो, चलो अभी वेक्टर पढ़ाएंगे, वेक्टर भी करें सब छोड़ो, ये बेकार की चीज़ है, वेक्टर छोड़ो, जब आखिरी पेपर में करोगे क्या वहाँ, तो वहाँ पर पेपर करने के लिए और 120 क्वेश्चन तुम लोग के आते हैं, तुम लोग को अप्रॉक्सीमेट 70 के आसपास करने होते हैं, शांत रहो, 70 करो या 90 करो या 120 करो तुम्हारी इच्छा की बात है, लेकिन 70 से नीचे जाओगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होता, 70 में सब मिला जुला होता है, कहते ये नहीं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छोड़ देंगे, 20 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट को छोड़ दिए तो बच्चे तो 100 ही ना, 100 में 70 आ जाएंगे, 70% जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छोड़ कर बैठे हुए पूरे, कहते इसलिए कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, अगर तुम्हें वेक्टर पढ़ाएंगे, वेक्टर में ज़्यादा पढ़ना नहीं होता, पहले एक दो क्लास तो पढ़ना ही नहीं होता, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कॉनिक सेक्शन फिर से चालू कर दो, ना स्ट्रेट लाइन सर्किल छोड़ो, अभी जब देखा जाएगा वो, अब उसको चक्कर फंसोगे तो कॉनिक सेक्शन छूट जाएगा, ये मान के चलना पहले वीडियो लेक्चर्स देखना या तुमने नोट्स बनाए हैं, ये मानना मैं कॉनिक स्टडी नहीं किया आज तक, कहीं
और आज जाके अभी जाके बैठना कॉनिक सेक्शन का पहला क्लास तो खोलना चालू करना है, और एक एक सवाल करना 11th की बुक के कर लेना ना, हमारे और हमारी जो एग्जाम्पल है वो तो कर ही लेना, समझ में आएगा, ऐसा नहीं समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब पढ़ोगे नहीं तो समझ में कहाँ से आएगा। ये फ्लेक्सिबिलिटी तुम लोग हमेशा दे रखी, किसी भी बुक से कभी भी कोई सवाल ले आना मना नहीं करेंगे तुमको कहीं, कोई भी बुक हो, लेकिन आप हैंड रिटन नहीं, टाइप रिटन कोई सवाल किसी भी किताब का हो। और कभी कभार ये भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि तुम कोई क्वेश्चन लाओ बाय द वे नहीं हो रहा, मैं नेक्स्ट टाइम बता देगा, ऐसा नहीं कह रहा कि यूनिवर्सल हमको सब आ रहा है, लेकिन जहाँ तक हमारी है कि 99.9% तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व कर, जहाँ तक अपनी हमारी वो कैपेसिटी है, क्योंकि लगभग 30 साल हमको पढ़ाते होगा, इतनी प्रॉब्लम नहीं होती हमें, लेकिन तो तुम पढ़ोगे तभी तो लाओगे। अब हम रोज क्या कह जाते हैं, क्वेश्चन बैठे रहते आराम से, एक भी क्वेश्चन नहीं, फिर क्वेश्चन रोज पूछते गए थे, फिर क्वेश्चन नहीं, अब फिर क्वेश्चन नहीं तो सवाल फिर कहाँ समझ में चीजें आएंगी। अभी हम वेक्टर पढ़ाना चालू करेंगे, मुश्किल से मुश्किल 7-8 क्लास वेक्टर पूरा हो जाएगा कहीं। और अभी तुम लोगों ने पीछे का देखा होगा, कहीं थे अलजेब्रा पूरा कर दिया, अलजेब्रा में प्रोग्रेशन पूरा किया, क्वाड्रेटिक, बाइनोमियल थ्योरम, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, डिटरमिनेंट्स, मैट्रिसेस, इनइक्वालिटीज, लॉग, मॉड, ये सब पूरा कर चुके हैं कहीं थे। और इसके बाद क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला खत्म कर देंगे पूरा आज। तो इतने टॉपिक होगा, पढ़ोगे तभी तो काम चलेगा कहीं थे। अभी तुम्हारा जून स्टार्ट हुआ है, पेपर तुमको सितंबर में देना, कोर्स इतना अच्छी तरीके से चल रहा है कि अभी कहीं थे 1.25 महीने में कोर्स पूरा हो जाएगा, तुमको रिवीजन करना है, कम से कम एक बार कुछ तो पढ़ लो कहीं थे रिवीजन में, तभी तो फायदा होगा। अब जब कुछ पढ़ोगे नहीं तो रिवीजन में क्या करोगे, रिवीजन फिर लेके बैठ जाओ कॉपी। तो इसलिए अभी जाके ये मान के चलना कॉनिक सेक्शन में बिल्कुल नहीं पढ़ा है, और बिल्कुल स्टार्ट करना फिर से, समझ में आएगा। हम इसलिए बोल रहे हैं, हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, इतने आसान आसान तुम लोग कोई कर ही नहीं रहो कहीं, हम जो ब्लैक यहाँ ब्लैक बोर्ड पे कर देते हैं, इसके बाद तुम लोग कॉपी कर लेते हो कहीं थे। इसका किसका हमको ये जो हमने बीच में 5 मिनट तुमको भाषण सुनाया है, हमारा कोई ऑब्जेक्टिव उद्देश्य नहीं है तुमको लेक्चर देने का कहीं थे, प्रॉब्लम ये हमको पढ़ाने के उद्देश्य से आए, तुमको कहानी सुनाने नहीं आए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लिख रहे हैं इतने आसान आसान क्वेश्चन बैठे हो नहीं कर रहे हो कहीं थे, तो फिर कुछ तो समझाना पड़ेगा ना कि कुछ तो करो कहीं थे, कुछ तो आगे बढ़ो कहीं थे। हम तो आगे हमने कई बार उनसे कहा हम तो अपना काम कंप्लीट करके चले जाएंगे, तुम्हारा आने का फायदा सुबह आते हो कहीं थे 4-5 घंटे यहाँ पढ़ते हो कहीं थे, बेनिफिट तो तभी है ना जब कुछ फायदा उठाओ इसका ना, तो हम लोग का तो एक प्रोफेशन, हम तो अपना काम कंप्लीट कर देंगे कहीं थे। अल्टीमेटली तुमको रिजल्ट चाहिए कहीं थे, और तुम्हें रिजल्ट मिलेगा तो हमें इसका एडवांटेज है कहीं थे, जो पढ़ाते हैं हमको तभी। अब जैसे हम यहाँ पढ़ाते हैं, जब हम क्वेश्चन लिखते हैं तुम्हारी तरफ देखते हैं, देखते सब बैठे हो, हम तुरंत ब्लैक बोर्ड पर करना चालू कर देते हैं कि हमें सब बैठे हो, हमें समय खराब करने से क्या फायदा। अदरवाइज हम किसी भी क्वेश्चन को देने के बाद 2-3 मिनट रुकते हैं कि अटेंड करो समझो, इसके बाद 2 मिनट और अपनी बात पूरी करेंगे। किसी भी क्वेश्चन को जब हम यहाँ डिक्टेट करते हैं तो डिक्टेट करने के लिए डिक्टेट करते वक्त तुमको 1-1.5 मिनट सोचने पढ़ने का समय लगता है क्वेश्चन में, समझने का, और फिर 1-1.5 मिनट सॉल्व करने का स्टार्ट होता है। टाइम ज़्यादा भी लग सकता है क्योंकि अभी पहली बार पढ़ो, जब दूसरी बार पढ़ो तो ऑब्वियस 1 मिनट में तो क्वेश्चन ही करना है। तो इसलिए चीज़ों को समझो, और पहले से पढ़ के आओगे तो यार समझ में बात आएगी, नहीं पढ़ के आओगे तो फिर समझ में थोड़ी ना आएगी, हम तो खत्म करते हुए चले जाएंगे। इसलिए पढ़ो ध्यान से, ये सब इसलिए बता रहे हैं कि जो तुम लोग पढ़ रहे हो, तुम लोग तो पहली बार हो गए या दूसरी बार हो गए, 11th 12th पढ़ के आए हो, हमें पढ़ाते हुए 3रा साल चल रहा है, 29 साल पढ़ा चुके हैं, हमें मालूम है कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स है कहीं थे। तुमको हम जितने लोग बैठे हो हम यहाँ खड़ा होकर बताते किसको समझ में नहीं आ रहा, इतना एक्सपीरियंस है कहीं थे ना, ऐसा थोड़ा ना 29 साल बीत गए हमारे कहीं थे पढ़ाते हुए। तो इसलिए लेकिन ये है कि अब हमारा हमेशा का नेचर था कि हम किसी को ना क्रिटिसाइज करते हैं ना किसी को कभी मना करते हैं, कभी कभार बहुत गुस्सा आ जाए बात अलग है, अदरवाइज हम किसी से नहीं कहते। पढ़ने की ड्यूटी तुम्हारी है, इतना बड़े होगा सीखो अपने आप से पढ़ना, हमारे कहीं हमको केवल तुम्हारी कॉपी देखें, कॉपी मंगाए, कॉपी लाओ, कॉपी देखेंगे, ये सब हमारे ना हमारे ये हमने आज तक ना करते हैं कहीं थे। पढ़ो अपने आप से, पूछोगे मना कभी नहीं करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल नोट करो, A man running round a race course notes that a man running round a race course notes that this sum of distance of two flag posts from him is always 10 meter and
डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग पोस्ट एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग पोस्ट इज 8 मीटर. फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ इनक्लोज्ड. फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ इनक्लोज्ड. तो क्वेश्चन मतलब ये, एक पार्क है, पार्क में दो खंबे लगे हुए जिन पे झंडा लगाया जाता है, फ्लैग पोस्ट बोलते हैं उसको. एक पार्क है उसमें दो झंडे लगाने वाले पोस्ट लगे हैं. एक व्यक्ति उस पार्क के चारों तरफ घूम रहा है. अगर फ्लैग पोस्ट से वो डिस्टेंस मेजर करता है, दोनों फ्लैग पोस्ट से डिस्टेंस मेजर करता है, उन दोनों का सम हमेशा 10 के बराबर है. मतलब एक एक पार्क है, अभी हमको ये नहीं मालूम पार्क आयताकार है, रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर सर्कुलर है, एलिप्टिकल है, कैसा पार्क है हमें ये नहीं मालूम है, ये बाद में डिसाइड होगा. तो इसमें कहा गया एक पार्क है, उस पार्क में दो झंडे वाले खंबे लगे मान लो, उन खंबों से जहाँ पर भी कहीं भी खड़ा होता है वो, तो डिस्टेंस नापता है अपने खंबों से और उनका सम करता है, तो हमेशा 10 के बराबर, और दोनों खंबों के बीच की दूरी जो है वो 8 के बराबर है. तुम लोगों को बताया था सम ऑफ फोकल डिस्टेंस इज कॉन्स्टेंट इस एलिप्स. सम ऑफ फोकल डिस्टेंस इस कॉन्स्टेंट अगर होता है, हमने उस समय भी कहा था ये एलिप्स की डेफिनेशन भी होती है, जब सम ऑफ फोकल डिस्टेंस होता है और कॉन्स्टेंट होता है तो एलिप्स होता है, और जब डिफरेंस ऑफ फोकल डिस्टेंस होता है तो वो हाइपरबोला होता है. तो यहाँ पे कहा गया कि वो दो झंडों दो खंभों से उनका डिस्टेंस हमेशा बराबर है, सम मतलब उनका जोड़ बराबर है, तो इसका मतलब एलिप्स ही होगा. अगर दो खंभों से कहीं भी खड़ा हो जाए और डिस्टेंस का सम करता है तो हमेशा कॉन्स्टेंट आता है. तो कंडीशन क्या होगा, दो खंभे ये लगे हुए हैं, यहाँ पे खड़ा है, ये एस हो गया, ये एस डैश हो गया, ये पी हो गया, हमने स्टैंडर्ड पॉइंट्स लिखे हैं. तो यहां से क्या हुआ, एस पी प्लस एस डैश पी, कहीं भी खड़ा हो, यहां पे इधर खड़ा होगा, इधर खड़ा होगा, तो जब दोनों डिस्टेंस का सम बराबर कॉन्स्टेंट होता है तो हमेशा क्या होता है, एलिप्स बनता है. अब एस पी प्लस एस डैश पी बराबर 10, और एस पी प्लस एस डैश पी क्या होता है, 2a. सम ऑफ फोकल डिस्टेंस 2a लिखाया था, तो 2a इज इक्वल टू 10 आ गया, a की वैल्यू 5 आ गई, और डिस्टेंस बिटवीन द दोनों पोल के बीच के डिस्टेंस 2a ही होती है, 2a इज इक्वल टू 8, a की वैल्यू 5 आ चुकी है, e की वैल्यू कितनी हुई, या 4 बाई b की वैल्यू निकालो, b की वैल्यू फाइंड आउट करो, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर, हाँ 3, बी की वैल्यू 3 आ रही है. सॉल्व कर लेना सब लोग, हम लिख कर नहीं ना सॉल्व, बी इक्वल टू 3 आ रहा है. अब एरिया ऑफ द एलिप्स, एक ध्यान रखना अभी तुम लोग को कैलकुलस में पढ़ाया जाएगा एरिया अंडर द कर्व, उसमें एरिया ऑफ द एलिप्स जो होता है वो पाई ए बी होता है. अभी कैलकुलस में तुम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो, कैलकुलस में एरिया अंडर द कर्व पढ़ोगे तो इसका एरिया पाई ए बी होता है, तो इसको याद रखना पाई ए बी, मतलब पढ़ाया जरूर जाएगा एरिया अंडर इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व, लेकिन एलिप्स का एरिया याद रखना पाई इंटू ए बी होता है हमेशा. तो ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 3 है, 5 × 3 = 15π, 15π इज द आंसर. ये भी स्टैंडर्ड सवाल है, अभी एग्जामिनेशन पूछा गया है. सर्किल का पाई आर स्क्वायर होता है, एलिप्स का पाई ए भी होता है. कोई क्लोज फिगर हाइपरबोला ओपन फिगर है, इसका एरिया स्टैंडर्ड निकाल नहीं सकते, ऐसे मतलब स्टैंडर्ड निकाल सकते हैं, लिमिट दी होगी यहाँ से यहाँ तक का निकालो. पैराबोला भी ओपन फिगर है, उसमें भी लिमिट होती है, उसका भी एरिया निकाला जाता है. कहा जाता है फाइंड द एरिया ऑफ द हाइपर एरिया ऑफ द पैराबोला फ्रॉम वर्टेक्स टू लैटर सेक्टर, ऐसे करके निकालते हैं, तो उसमें एक फिक्स होता है. और ये इलिप्स होता है बाउंडेड फिगर है, सर्किल बाउंडेड फिगर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल
पासिंग थ्रू, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द फोकाई ऑफ द एलिप्स, फोकाई ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाय 16, 16 एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1. एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1 एंड हैविंग इट्स सेंटर एट, हैविंग इट्स सेंटर एट 0.3, हैविंग इट्स सेंटर एट 0.3. कंप्लीट. सेंटर 0.3 है, फोकस से पास हो रहा है, तो फोकस और सेंटर के बीच के डिस्टेंस रेडियस आ जाएगी. पहले फोकस निकाल लो, ए कॉमा जीरो. किसी भी सर्किल में अगर सेंटर से उसके सर्कमफ्रेंस परिधि की दूरी क्या होती है, तो निकालो वो सर्कमफ्रेंस कहाँ से, जहाँ से पास हो रहा है, फोकस से पास हो रहा है. एक फोकस को निकाल लो ए कॉमा जीरो. बी मालूम है इसमें, ए मालूम है, केवल ई तो निकालना है. तो ए कॉमा जीरो फोकस हो गया, ए कॉमा जीरो और 0.3 के बीच के डिस्टेंस रेडियस. ए कितना है इसमें, ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू 3 है, तो ई निकालो कितना आ रहा है. हा रेडियस 4. हाँ फोकस निकाल लो ए कॉमा जीरो. ई की वैल्यू कितनी आ रही है, ई की वैल्यू कितनी आई, रूट 7/4. ई की वैल्यू रूट 7/4 आ गई, तो हमारे पास फोकस होता है ए कॉमा जीरो, तो फोकस क्या होगा, रूट 7.0. और इसके बाद डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट. बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर करके ई की वैल्यू निकालोगे, ई की वैल्यू रूट 7/4 आ रही है. और इसके बाद ए कॉमा जीरो करोगे, ए की वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो फोकस क्या हो जाएगा, रूट 7.0. और रूट 7.0 0.3 के बीच के डिस्टेंस निकाल दो, 4 आ जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स कॉस टी प्लस साइन टी, वाई इज इक्वल टू 4 टाइम्स कॉस टी माइनस साइन टी. ये किस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये किस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द कर्व है, ये किस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. हाँ, ये किस कर्व को, पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इस तरह का ऑप्शन लिखे हुए हैं. ये सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसा कर्व जो हमें नहीं मालूम है. पैरामीट्रिक मतलब क्या बता रहा है, पैरामीट्रिक का मतलब होता है कर्व निकालने के लिए वेरिएबल को एलिमिनेट किया जाता है, यहाँ टी को एलिमिनेट करना है. तो पहले एक्स बाई 3 इज इक्वल टू लिखो और वाई बाई 4 इज इक्वल टू लिखो, स्क्वायर करके जोड़ दो आपस में, एक्स बाई 3 और वाई बाई 4. सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर बाई 3 एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इजिकल 2 आ जाएगा. इधर सॉल्व करो तो 2 आएगा. मतलब एग्जामिनेशन ऑप्शन कैसे लिखे होते हैं, रिप्रेजेंट एलिप्स ऑफ इसेंट्रिसिटी 1/√3 या जो भी लिखा हो, हाइपरबोला विद लैटरल सेक्टम दिस, सर्किल विद रेडियस दिस, ऐसे 4 ऑप्शन लिखे होते हैं.
तो अब तुमको पहले तो ये डिसाइड करना है कर्व कौन सा है, इसके बाद जो उसकी करेक्टर पूछा, जैसे यहाँ पे ये हमारे पास इलिप्स आ गया, अब उसमें ऑप्शन में इलिप्स की सेंट्रिसिटी पूछी तो निकालना पड़ेगा। प्लस इस टाइप से ऑप्शन दिए होते हैं, रिप्रेजेंट इलिप्स विद सेंट्रिसिटी 1/√3, सेकंड ऑप्शन हाइपरबोला विद लैटर सेक्टम 5, तीसरा ऑप्शन सर्किल विद रेडियस 3, ऐसे भी ऑप्शन लिखे होते हैं। तो अब यहां से इलिप्स आ गया, अब इसकी सेंट्रिसिटी निकालनी पड़ेगी, तो ध्यान रखना ए की वैल्यू लेस देन बी आई है, यहां पर पलट जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टू 1 माइनस ई स्क्वायर के बजाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर टू 1 माइनस ई स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन pair of tangents to the ellipse 3x square plus 2y square is equal to 5 from the point 1, 2 आंसर जो लिखा है इसका टेन इनवर्स 12/√5। एक्स स्क्वायर अपॉन 5/3 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5/2 इज इक्वल टू 1, इक्वेशन क्या हुई? ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अभी किससे पास हो रही पॉइंट, पॉइंट क्या 2,1 दिए, 1,2 passes 1,2 से पास करा दो, ये कितना हुआ 2 ये क्वेश्चन बनेगी, m1 + m2 कितना आएगा, m1 + m2 -4/6 हो गया, ये m1 m2 इसी टाइप का क्वेश्चन कल भी करवाया था। अब tan थीटा क्या होता है, m1 - m2 / 1 + m1 m2
इधर लिखे देते हैं, वैल्यू लगा दो इसमें खाली, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 by root 5, 10 इनवर्स 12 by root 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ द नॉर्मल एट पी टू द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टू द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। द नॉर्मल एट पी टू द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मीट्स द एक्सिस at G and G, capital G and small g, meet the axis in G and G, capital G and small g, मतलब एक x axis को एक y axis को, then find the value of PG, P or capital G, find the value of PG, option लिख लो इसके, पीजी की वैल्यू बतानी है, ऑप्शन है पीजी बी ऑप्शन पीसी सी ऑप्शन 2A, यहां पे सी जो है सेंटर ऑफ द हाइपरबोला है, सी इज द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है उसमें पी पॉइंट पर नॉर्मल जो एक्सिस को जी और जी पे कट कर रहा है, किसी को भी कैपिटल जी मान सकते हो किसी को स्मॉल जी, से अंतर नहीं पड़ता। नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, ये होती है क्वेश्चन, यहां बी स्क्वायर किया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, अब जी पॉइंट कैसे निकालोगे, कैपिटल जी पॉइंट कैसे निकलेगा,
वाई की वैल्यू जीरो, एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकालना वाई की वैल्यू जीरो, एक्स इक्वल टू एक्स वन आ गया, यहां से वाई की वैल्यू जीरो करोगे माइनस वाई वन कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा वन, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा एक्स वन और इधर वाला एक्स वन इधर जाएगा टू एक्स वन, स्मॉल जी कैसे निकलेगा, एक्स इज इक्वल जीरो, स्मॉल जी निकालना तो एक्स की वैल्यू जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो करो कितना आएगा, जीरो आगे जाएगा माइनस है, वाई इक्वल टू वाई वन, अब इसमें पीजी की वैल्यू पूछा गया, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट निकालो, पीजी की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर, पीजी की वैल्यू निकालोगे कितनी आएगी इसकी वैल्यू, क्या क्या अब ऑप्शन के हिसाब से क्या देखो, पीसी हो गया कि नहीं हो गया, सीधे सी सेंटर ऑफ द हाइपरबोला बोला है, ये डिस्टेंस निकालो कितनी आएगी, अंडर रूट एक्स वन स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर, कैपिटल पीजी की वैल्यू जो है वो अगर पीसी निकालोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स वन माइनस जीरो का होल स्क्वायर वाई वन माइनस जीरो का होल स्क्वायर, ये आ गया, और ये इसमें ऑप्शन तो यही था लेकिन इसकी वैल्यू पीजी के बराबर भी है, दोनों ऑप्शन है, पीजी निकालो वो भी सेम आएगा, स्मॉल पीजी निकालोगे तो अंडर रूट उसमें क्या आएगा, जीरो जीरो माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर और टू वाई वन माइनस वाई वन का होल स्क्वायर सेम आता है, इसके दो ऑप्शन थे, स्मॉल पीजी भी था और पीसी भी था, तुम लोग एग्जामिनेशन में जब आएगा तो एक ही ऑप्शन आएगा, अब उसमें कोई एक ऑप्शन हटा देंगे, दोनों ऑप्शन थे इसके, ये क्लास यहीं पे कंप्लीट कर रहे हैं आज कहीं थे।